उत्तराखंड के चमोली में बादल फटने से भीषण तबाही हुई है। चमोली के गोविंद घाट और थराली में हर तरफ पानी ही पानी और मलबा देखने को मिला है। गोविंद घाट में कई गाड़ियां मलबे में दब गई, वहीं थराली में कई मवेशी मलबे में दब गए थे। महज 4 सेकंड में 3 मंजिला ये इमारत माचिस के डिब्बे की तरह ढह गई। नदी की तेज लहरों ने इस इमारत की नींव पहले ही हिला दी थी। खतरा पल पल बढ़ रहा था, लेकिन कुछ लोग अभी भी इमारत में बने हुए थे। पानी की लहरें और विकराल हुई तो पूरी की पूरी इमारत 4 सेकंड के अंदर भरभरा कर गिर पड़ी। हैरान कर देने वाली ये तस्वीरें उत्तराखंड के पिथौरागढ़ की हैं। इलाके में बादल फाड़ तबाही ने 3 मकानों को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। इस हादसे में 2 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। अब इन तस्वीरों को देखिए जरा, ये उत्तराखंड के चमोली की तस्वीरें हैं। गोविंद घाट इलाके में बादल फटने से बरसाती नाले काल बनकर तबाही मचाने लगे। गोविंद घाट के पार्किंग एरिया में खड़ी दर्जन गाड़ियां मलबे की चपेट में आ गई। गनीमत रही कि डेक्कन कंपनी का हेलीपैड और उसमें खड़े चॉपर इस नाले की चपेट में आने से बाल बाल बच गए। SDRF और प्रशासन की टीम मौके पर राहत बचाव के कार्यों में जुटी हुई है। हाईवे का करीब 100 मीटर का एरिया मलबे की चपेट में है। अब इन तस्वीरों को देखिए जरा, ये उत्तराखंड के पिथौरागढ़ की तस्वीरें हैं। टिमटिया इलाके में बादल फटने के बाद कई मकान बुरी तरह से बर्बाद हो गए। मकान के अंदर जो लोग थे वो मलबे के नीचे फंस गए। बड़ी मुश्किल से लोग मलबों के बीच से जान बचाकर बाहर निकले। इस हादसे में दर्जन भर मवेशियों के दबकर मरने की आशंका है। प्रशासन मुश्किल में फंसे इन लोगों तक राहत पहुंचाने के काम में लगा हुआ है। इन तस्वीरों में पहाड़ों से जो झरना गिरता दिख रहा है वो झरना नहीं बल्कि बादल फाड़ तबाही का इफेक्ट है। चमोली इलाके में बादल फटने की घटना के बाद पहाड़ों से इतना पानी आया कि ये झरने जैसा दिखने लगा। तस्वीरें पिथौरागढ़ की हैं, जहां बरसाती नाले में अचानक इतना मटमैला पानी आ गया कि लोगों की सांसें थम गई। चंद मिनट पहले तक ये इलाका पूरी तरह से सूखा हुआ था, लेकिन अचानक आए सैलाब के बाद कई लोग बरसाती नाले के दूसरी तरफ फंस गए। खबर मिलते ही SDRF की टीम मौके पर पहुंची और फिर शुरू हुआ नाले के दूसरी तरफ फंसे लोगों के रेस्क्यू का काम। नाले के दोनों तरफ रस्सी लगाई गई और इसी रस्सी के सहारे SDRF के जवानों ने एक एक कर यहां फंसे लोगों को नाला पार कराया। तस्वीरों में पानी ज्यादा गहरा तो नहीं दिख रहा, लेकिन पानी का बहाव देखकर ऐसा लग रहा है जैसे ये अपने साथ सब कुछ बहा ले जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, Zee मीडिया।